उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस आम जनता को साधने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। सैनिक बाहुल इस प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस पूर्व सैनिकों को भी रिझाने में जुट गए हैं। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दौलाघाट में भाजपा ने भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सैनिकों के बदौलत ही आज हम सुरक्षित हैं। सैनिक दिन रात पहरा देकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इसलिए मोदी सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भाजपा को सैनिकों की सच्ची हितैषी बताते हुए कहा कि भाजपा सैनिकों का सम्मान करती है। इस दौरान रेखा आर्य ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है, कांग्रेस का कार्यक्रम सिर्फ राजनीति है। बता दें कि कुछ दिन पहले इसी जगह पर कांग्रेस ने भी सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी के जवाब में आज बीजेपी ने भी यह कार्यक्रम रखा। भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह है। आज आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर जनता टूट के आई है सैनिक समारोह को देखने के लिए, और सैनिक भी हमारी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने इस देश को बचाया है, सीमाओं को सुरक्षित किया है, अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबको सुरक्षा दी है, देश को सुरक्षा दी है। इसलिए आज मैं स्वयं यहाँ पर अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, और जिस कदर लोगों में क्रेज है, लोगों में उत्साह है, आप देख रहे हैं चारों तरफ भरा हुआ है, इससे जाहिर होता है कि मोदी जी के प्रति लोगों का विशेष प्रेम है। केंद्रीय नेतृत्व पूरे देश में जाता है, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में केंद्रीय नेतृत्व जाता है। मोदी जी का विशेष प्रेम है हमसे, 5 बार तो केदारनाथ में ही आ गए हैं, लगातार हम जा रहे हैं। हमारे पास नेता हैं, हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व, धवल नेतृत्व है, स्वच्छ और साफ नेतृत्व है। जिनके पास नेतृत्व ही नहीं है वो क्या बुलाते हैं, लोगों के पास है नहीं कोई केंद्र में नेतृत्व, तो इसलिए लोगों का विश्वास है कि मोदी जी ही इस देश को बचा सकते हैं, इसलिए उनके प्रति यहाँ पर जो प्रेम उमड़ कर आ रहा है ये अद्भुत है, स्वयं ही दिखाई दे रहा है। देखिए, हम सैनिकों का सम्मान किस तरह से करते हैं वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख सकते हैं, और मैं कह सकती हूँ कि आज पूरी विधानसभा उमड़ी है हमारे सैनिकों के सम्मान करने के लिए। निश्चित रूप से ये सम्मान जो हमारे दिल में है वो आज दिख भी रहा है, और मैं समझती हूँ कि हमारे उत्तराखंड सरकार सैनिकों के लिए बहुत काम कर रही है, चाहे उनके आश्रित हो उनके लिए काम कर रही है, उनको समूह ग और ख में उनको नौकरियां दे रही है, उनको प्रशिक्षण करा रही है, उनको NDO CDS के लिए मैं कह सकती हूँ कि उनको 50,000 की प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो लगातार हमारी सरकार जो है हमारे सैनिकों के लिए लगातार काम कर रही है। वन रैंक वन पेंशन अपने आप में बड़ा उदाहरण है। यहाँ आज जितने हमारे विधानसभा सोमेश्वर के सैनिक पहुँचे हैं अथवा उनके आश्रित पहुँचे हैं, सब सरकार का धन्यवाद करने के लिए पहुँचे हैं और हम सम्मान करने के लिए पहुँचे। मैं अपने आप का अहोभाग्य मांगती हूँ कि यह अवसर हमको प्रदान हुआ है। और रही बात हरीश रावत जी की, तो मुझे लगता है कि उनकी कथनी और करनी में मैं हमेशा कहती हूँ जमीन और आसमान का अंतर है। जहाँ वो कहते थे कि 3200 मुझे ऐसे बता दो जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया हो, 3200 हमारे मंत्रियों ने बता दिए और अब तक उन्होंने कितने उन्हें राजनीति संन्यास दिए वो देखने की बात है। इसी तरीके से उनका कार्यक्रम भी फेक था, और मुझे लगता है उनके किसी कथन पे या किसी वार्ता पे उनका चुनावी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है।